नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है यार आप सभी का हमारे चैनल फिरोज स्टूडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक मोबाइल यूज़र होता है कि अपने मोबाइल का डेटा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हो कि मोबाइल डेटा बहुत जल्दी ख़त्म होता है तो क्या करें इसके लिए और क्या सेटिंग्स है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, सब कुछ बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को सेटिंग्स ओपन कर लेना है। ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखता है सब मोबाइल के अंदर, उस पर क्लिक करना फ्रेंड्स, और आपको सिंपल सा ऐप लिस्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएंगे, आपके जो भी इंस्टॉल एप्लीकेशन है सारे यहाँ पर शो करेगा। मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ क्या करनी इसके अंदर, किस तरह से इंटरनेट का यूज़ करता है ये। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, मैंने क्लिक किया इस पर, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है डेटा यूजिंग डिटेल, इस पर क्लिक करना फ्रेंड्स। उसके बाद आपको नीचे का ऑप्शन आता है बैकग्राउंड डेटा, यहाँ पर दोस्तों मेरे यहाँ पर अभी ऑफ है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके हर एप्लीकेशन है यहाँ पर ऑन होगा, तो आपको ऑफ करना है। तो आप देख लीजिए दूसरी एप्लीकेशन में दिखाता हूँ आप लोगों को, मेरे भी यहाँ पर फेसबुक का दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए फेसबुक का, यहाँ पर आप लोगों को फिर से उसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा बैकग्राउंड यहाँ पर ऑन था फ्रेंड्स। तो आपको इसी तरह आपको सभी एप्लीकेशन के इसके ऑप्शन को ऑफ करना है, ताकि कोई भी एप्लीकेशन आपका बैकग्राउंड में डेटा रन ना करे। दूसरी सेटिंग्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपल था अपने मोबाइल डेटा फिल करना है। अगर आप चाहते हो आप नेटवर्क डेटा बहुत ज़्यादा बचाना चाहते हो, तो आप इस पर डेटा सेविंग ऑप्शन ऑन कर सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका सब कुछ रिकमेंड रहेगा, मगर थोड़ा ये रहेगा इंटरनेट बहुत कम कंज्यूम करेगा अगर आप इसको ऑन करते हो। तो मेरे मतलब रिकमेंड है कि आप इसको ऑन कर लीजिएगा, मेरा भी यहाँ पर अभी ऑन है फ्रेंड्स। तो हमारी तीसरी सेटिंग है दोस्तों व्हाट्सअप रिलेटेड। आज के दिन दोस्तों हर व्यक्ति व्हाट्सअप का यूज़ करता है, मगर उसको पता नहीं होता व्हाट्सअप बहुत ज़्यादा नेटवर्क कंज्यूम करता है। तो फ्रेंड्स आपको सिंपल सा सेटिंग लग रहा है, स्टोरेज एंड डेटा पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपके नीचे विन यूजिंग मोबाइल डेटा, तो इस पर क्लिक करना आप लोगों को। सिंपल सा देखिए आप लोगों को क्या दिखता है यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे फोटो सेलेक्ट है कि मैं अगर कोई फोटो आए तो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाए, मतलब ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाए। तो मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। उसी तरह आपके दोस्तों मोबाइल के अंदर सारी यहाँ पर कंडीशन ऑन होगी तो उसको ऑफ करना है, ताकि अगर जैसे कि आपको बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर बहुत सारी वीडियोज़ फोटोज आते हैं तो ऑटोमेटिक वो डाउनलोड होती रहती है बैकग्राउंड में, तो नेटा नेटवर्क बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो इसको ऑफ कर लेना दोस्तों। और दोस्तों फोर्थ नंबर पर चलते हैं हमारे यूट्यूब पर फ्रेंड्स। तो यूट्यूब की सेटिंग्स आप लोगों को दिखा देते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आप लोगों को यूट्यूब ओपन कर लेना। यहाँ पर मैं अपना यूट्यूब ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर ओपन कर लिया, आपको सिंपल से यहाँ पर राइट साइड में सेटिंग्स पर क्लिक करना, फिर सिंपल सा अपना जो भी अकाउंट लॉगिन कर रखा सेटिंग्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आपके सामने ऑप्शन आता है वीडियो क्वालिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमेशा आपके रिमाइंडर सेलेक्ट होता है 360 Mbps, तो आपको डेटा सर्वर ऑप्शन क्लिक करना, जिससे आपकी क्वालिटी आप जो भी चूज़ करोगे वही आएगी। जैसे कि आपने 144 सेलेक्ट किया है तो वही रहेगा, यह कि ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। तो फ्रेंड्स ये अगर आप म्यूजिक सुनते हो तो इसके लिए बहुत अच्छी सेटिंग्स है। लास्ट सेटिंग के बारे में आप लोगों को, गाइस हमारी लास्ट सेटिंग है प्ले स्टोर से रिलेटेड। तो आपको सिंपल सा प्ले स्टोर ओपन कर लेना, राइट साइड में इस पर क्लिक करना अपना प्रोफाइल पर, और आपको नीचे सेटिंग्स ओपन आता है क्लिक करना फ्रेंड्स। जनरल पर जाना आपको, और यहाँ पर आपको ऑटो अपडेट ऐप्स पर क्लिक करना फ्रेंड्स। सिंपल से आपको यहाँ पर क्लिक करना, और यहाँ पर आपका सेलेक्ट होगा ओवर एनी नेटवर्क, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना डोंट ऑटो अपडेट्स। इससे ये होता दोस्तों, अगर आप अपने अकॉर्डिंग अगर अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट होगा, नहीं तो वो अन्यथा अपडेट नहीं होगा। दोस्तों ये बहुत अच्छी सेटिंग्स थी जो आप लोगों को बतानी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।